हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है पाठ नंबर 15 बुद्धि का कमाल, ये जो पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, इस पाठ का आज हम लोग शब्द बोध से रिलेटेड क्वेश्चन जो है राइट करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है बच्चों, नीचे कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं। नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं। आगे लिखा है, उन्हें उचित स्थान पर, उचित दो बार लिखा लिख दिया गया है यहाँ पर, आप एक जगह काट देंगे बच्चों। उन्हें उचित स्थान पर क्या करना है, लिखना है। उचित स्थान क्या है आप इसको समझेंगे। यहाँ पर लिखा है जलचर, थलचर, नभचर। जलचर का मतलब होता है बच्चों, जो जल में रहते हैं वो प्राणी का नाम आपको लिखना है। दूसरा में दिया है जो थलचर, थल का मतलब होता है जमीन या पृथ्वी पर, जो जमीन पर रहते हैं उसका आपको नाम लिखना है। और तीसरा में दिया है जो नभचर, नभचर का मतलब जो आकाश में, नव माने आकाश होता है, जो आसमान में उड़ते हैं उनका आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमने जो इस क्वेश्चन को राइट कर दिया है, यहाँ आप समझेंगे और लिखेंगे इसको। नाम दिया है आपको प्राणियों में, गाय, हिरण, कबूतर, मछली, कछुआ, तितली, हाथी, उल्लू और मगर। ठीक है, मगर का मतलब मगरमच्छ से आप समझेंगे, ठीक है, क्रोकोडाइल। तो इसको बच्चों आपको एक कालम में बना हुआ है सही जगह पर, उचित स्थान पर, प्रॉपर प्लेस पर आपको उसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं जलचर, तो जल में कौन कौन रहते हैं, गाय तो जल में नहीं रहता है, हिरण भी नहीं, कबूतर भी नहीं, मछली जल में रहती है इसलिए यहाँ मछली लिखेंगे। आगे नेक्स्ट है बच्चों, कछुआ भी जल में रहता है, इसको भी यहाँ लिख देंगे। आगे लास्ट आप देखेंगे तो मगर भी आपका जल में रहता है, तो मगर को भी यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है आपका थलचर, अब थलचर में कौन कौन रहेंगे, देखिए गाय जो है थल पर रहती है, मतलब जमीन पर रहती है। हिरण है, हिरण भी थल में रहता है, तो इसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये हाथी कहाँ रहता है, थल पर, पृथ्वी पर। ये तीनों जो है थलचर प्राणी है, तो इसको लिखेंगे। नवचर में कौन कौन बचे हैं, देखिए कबूतर ये उड़ता है आकाश में, ठीक है, तितली भी उड़ती है, इसको भी आप लिखेंगे, और उल्लू भी उड़ता है, तो इसको भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप प्रॉपर प्लेस पर जो है प्राणियों के नाम को व्यवस्थित करना है, लिखना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था शब्द बोध का, केवल एक ही क्वेश्चन है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन आप देखते हैं व्याकरण बोध से पहला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लेंगे। व्याकरण बोध इसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे बच्चों, ठीक है। व्याकरण बोध में आप लिखेंगे, यहां पर पहले डाल देते हैं व्याकरण बोध। प्रश्न नंबर एक, समझिए और लिखिए। लिखा है समझिए और लिखिए, समझ करके आपको बच्चों लिखना है। यहाँ देखिए पहला आपको दिया ही है, लिखा है चतुर के आगे यहाँ पर लिखा है होशियार। तो ये होशियार क्या है बच्चों, इसका अर्थ है, मीनिंग है होशियार, इसको हम चलाक भी कह सकते हैं, ठीक। आगे लिखा है तरकीब
तरकीब का मतलब होता है बच्चों उपाय, तो आप लिख लीजिए इसका मीनिंग उपाय। और आगे है जो आपका चिन्ह, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो लिखा है चिन्ह। चिन्ह को हम क्या कहते हैं, निशान, इसका अर्थ होता है निशान। और नेक्स्ट है प्रसिद्धि, प्रसिद्धि इस तरीके से भी लिखा जाता है प्रसिद्धि, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, उस बुक वाले के तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है यश या कीर्ति, अभी आपको लिखवाया गया है, कोई एक आप मीनिंग लिख सकते हैं। तो ये मीनिंग वाला कॉलम था। दूसरे वाले कॉलम में बच्चों, ये जो दूसरा कॉलम आपको उसी क्वेश्चन में दिया गया है, लिखा है नौकर का नौकरानी, मतलब स्त्री लिख रहा है, ठीक है। पुलिंग दिया हुआ है, लिखना है नौकर का, आप लिखेंगे नौकरानी, ये दिया हुआ है उसमें। आगे है आपका नेक्स्ट देवर का, इसी तरीके से क्या हो जाए बच्चों, देवर का देवरानी, देव रानी। और नेक्स्ट है बच्चों आपका महाराज, महारानी हो जाएगा, महाराज का महारानी, महारानी। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों सेठ का सेठानी हो जाएगा, सेठ का सेठानी। ये बच्चों स्त्रीलिंग है, इधर देखिए स्त्रीलिंग दिया है, पुल्लिंग दिया है, स्त्रीलिंग में आपको लिखना है, ठीक है। और इसमें क्या था, इस वाले कॉलम में इसमें आपको शब्द दिया था, उसका इधर अर्थ लिखना था, मीनिंग लिखना था, ठीक है। इसको आप समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दो, इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ, इनके दो दो पर्यायवाची, शब्द लिखिए, शब्द लिखिए, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है बच्चों, ठीक है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं दिया है हाथी, पहले इसको लिख लेते हैं हाथी, उसके बाद पत्र, उसके बाद है पानी, उसके बाद आपका है खबर, उसके बाद है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि इसका दो दो पर्यायवाची आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। तो हाथी को हम क्या कहते हैं, गज, और उसके बाद हाथी को बच्चों क्या कहेंगे, गज कहेंगे, और दूसरा में क्या कहेंगे, मतंग या हस्ती भी कहा जाता है इसको, तो मतंग आप लिखेंगे या हस्ती, मतंग, ठीक है, मतंग आप ये दोनों लिखेंगे। उसके बाद पात्र को क्या
मिट्टी या खत। उसके बाद पानी का होता है बच्चों जल, आप जानते हैं जल इसको कहा जाता है। और इसके बाद नीर या कोई कुछ भी लिख सकते हैं, नीर हम लिख सकते हैं। और उसके बाद है बच्चों खबर। खबर का आपको समाचार, सूचना, संदेश कुछ भी लिख सकते हैं। समाचार अखबार भी लिख सकते हैं बच्चों, समाचार अखबार, ठीक है। या फिर संदेश, सूचना कुछ भी इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं संदेश, संदेश, ठीक है। या सूचना लिख सकते हैं आप। फिर प्रसिद्धि का आपने लिखा ही था, प्रसिद्धि का क्या क्या होता है, यस। और उसके बाद कीर्ति, कीर्ति, ठीक है, यस और कीर्ति, ठीक है। यहाँ पर वा लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यस और कीर्ति, ये दो दो पर्यायवाची यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका रचनात्मक कार्य, ये आप स्वयं करते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन हम जो है थोड़ा सा आपको भरवाने का प्रयास करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आप इसमें करेंगे अपने से। पहला क्वेश्चन देखेंगे रचनात्मक का, व्याकरण बोर्ड आपका समाप्त हुआ, इसको नोट डाउन करें बच्चों। रचनात्मक कार्य, प्रश्न नंबर एक आप देखेंगे केवल भरना है आपको। प्रश्न नंबर एक, हाथी को अपनी, हाथी को आत्मकथा, आत्मकथा लिखने में मदद कीजिए, लिखने में मदद कीजिए। क्या है हाथी की आत्मकथा, देखिए पैराग्राफ दिया है बच्चों, ठीक है, ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें खाली स्थान छोड़ा है, उस खाली स्थान में आपको भरना है। यहां देखिए आप पहले पैराग्राफ में लिखते हैं, मुझे निजाम ने खाली स्थान है कि पास भेजा, पास भेजा। उसके बाद लिखा है नाना ने मुझे खाली स्थान बच्चों किनारे भिजवाया, किनारे भिजवाया, भिजवाया। फिर आगे बच्चों वहां मलाह ने, वहां मल्लाह ने मुझे फिर खाली स्थान है, मैं
आपके सामने रुकी है भरने के लिए। उसके बाद लिखा है मैंने चढ़ाया चढ़ाया चढ़ाया। फिर आगे लिखा है बच्चों नाव पानी में जहां तक डूबी थी, नाव पानी में जहां तक डूबी थी, डूबी थी वहां भरना है आपको यहाँ पर, ठीक है यहाँ भरना है, ठीक है आपको ध्यान देना है यहाँ पर भरना है, ठीक है वहां लगाया गया, लगाया गया। फिर उस नाव में उस नाव में फिर भरना है डलवाए गए, डलवाए हो गया सर, डलवाए पत्थरों को तौल कर यहाँ पर लिखा है पत्थरों को दाव कर मेरा मेरा फिर खाली स्थान में निकाल गया, निकाला गया, निकाला गया, ठीक है। यहां देखें बच्चों खाली स्थान आपको यहां पर दिया गया है, यहां खाली स्थान है, ठीक है। इस तरीके से छह खाली स्थान आपको दिख रहे हैं। लिखा है मुझे निजाम ने के पास भेजा, किसके पास हाथी को भेजा था, नाना फड़नवीस, नाना फड़नवीस या नाना भी आप लिख सकते हैं, फड़नवीस पूरा भी लिख सकते हैं नाम, आधा भी नाना भी लिख सकते हैं, ठीक है नाना फड़नवीस। और उसके बाद यहाँ भेजा कि नाना ने मुझे नदी किनारे भिजवाया, नदी किनारे, नदी नदी के किनारे भी हो सकता है, नदी किनारे, नदी के किनारे भिजवाया। वहां मल्लाह ने मुझे नाव, क्या बोलेंगे यहां, नाव नाव में चढ़ाया, मल्लाह ने नाव में चढ़ाया, फिर नाव पानी में जहां तक डूबी थी वहां क्या हुआ, वहां निशान लगाया गया, वहां निशान या कि निशान लगा था, उसमें निशान लगाया गया। फिर आगे है फिर उस नाव में पत्थर डलवाए गए, क्या डलवाए गए, पत्थर, पत्थर बनेंगे। फिर पत्थरों को तौलकर मेरा वजन निकाला गया, वजन वजन निकाला गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये हाथी की आत्मकथा है, इसमें जो खाली स्थान था उसको भरना था बच्चों, कहानी कम था, इसको आप भर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, आप किस जानवर का खेल देखना पसंद करते हैं, किस जानवर का आपको खेल देखना पसंद आता है, ठीक है। उसके विषय में पांच लाइन आपको, पांच वाक्य आपको लिखना है, जैसे बंदर का, भालू का या किसी और जानवर का, जिस जानवर का आपको, या तोते का, जिस जानवर का खेल आपको
पसंद आता है उस जानवर के बारे में, खेल के बारे में नहीं, उस जानवर के बारे में, या हाथी का, किसी का भी, तो आप उस जानवर के विषय में 5 लाइन निबंध के रूप में आप इसको लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ये आप स्वयं करेंगे, रचनात्मक कार्य है। एक प्रश्न हमने करवा दिया, इसको भी आपको करना ही था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, एंड टेक केयर।